आज मौलाना श्री शाह अमीनुद्दीन कादरी साहब सज्जादा नशीन आस्थान आलिया हजरत हाफिज सैयद वजहुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं और सदारत रहबर शरीयत पीर तरीकत गाजी अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना श्री शाह गुलाम समदानी साहब कबीरा अल मारूफ अली कादरी सदर कुहिन सीरत नबी अकेडमी फरमा रहे हैं। आइए मैं आली जनाब हजरत डॉक्टर हामिद मोहम्मद खान साहब अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना आंध्रा और उड़ीसा से दरख्वास्त करता हूं कि वो शरफ तखातु फरमाए। जो सारे मुल्कारी हमारे दरबार में आए हुए थे तुमने कहा कि हाँ मैं आया था वही होंगे। अच्छा ये बताओ कि जब तुम पहली बार कब आए थे तो मैंने तुमसे ख्वाहिश की थी कि तुम मुसलमान हो जाओ, तुमने इनकार कर दिया तो मैं अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर कोई नया दीन अख्तियार करना नहीं चाहता। अभी क्या बात हो गई कि तुम जो है मुसलमान हो जाकर हमारे दरबार में आए और उम्र उम्र तरजीबा का मकाल तुमने पेश किए, उसके सबक क्या है, उसके इंगत क्या है? तो उन्होंने बताया कि हुजूर जब मैं आके मजलिसे मुज़ाकरे के फराग के बाद जब गया जाने के बाद मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मौजूद है तो मजाहिब है, उन सारे के सारे मजाहिब का तहजीबी जायजा लेना चाहिए कि कौन सा मजहब इस वक्त हकानियत पर मबनी है, सच्चा कौन सा मजहब है। यह जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ। इससे पहले की भी जो हुकूमतें थी वो कोई मुसलमानों के लिए दोस्त साबित कभी नहीं हुई। ये जो जमात जो फिल्म अकबर सर इकतदार है इनकी बुनियाद से अगर आप उठाकर देखेंगे तो एक लम्हे के लिए भी कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मालूम होगा कि ये लोग मुसलमानों के बही खा या मुसलमान के दोस्त हैं या मुसलमानों के हक में कुछ सही फैसला कर सकते हैं। कोर्ट उनसे सवाल जब मरकजी हुकूमत से किया इसके अंदेशे जो आज जो उनका हलफनामा दाखिल किया गया इसका अंदेशा हमें पहले से ही था। इसीलिए 15 अगस्त को सबसे पहले हैदराबाद की धरती पर खानखाए दरगाह हजरत मूसा कादरी रहमतुल्लाह अलैह में सीरत नबी एकेडमी ने पहला इजलास तलब किया कि इस मामले में सारों की तवज्जो दिलाई कि आने वाले दिन मुसलमानों के लिए परेशान कुल हो सकते हैं, हमें अभी से कमर कसने की जरूरत है और अभी से हरकत करने की जरूरत है। उस वक्त सारे उलमा सारे तमाम मकाजिब फिक्र के उलमा और मशाइखीन मौजूद थे, सारों ने सीरत नबी एकेडमी की इस बात को हामी भरते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया और इजलासों को मुनक्किद किया। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है हमारे लिए कि पहले का पहले हमने तैयारी की और आपने देखा कि आज से 10-12 रोज कबल मरकजी हुकूमत ने कोर्ट में जो अपना हलफनामा दायर किया है उसके अंदर 3 तलाक पर पाबंदी की बात आयत की गई, 1 से ज्यादा शादी की बात पर जो है पाबंदी आयत करने की सिफारिश की गई और जो कोई मामला आगे के जो है उसके लिए भी हुकूमत ने कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। और अगर खाली तलाक का जो मसला है वो एक मर्तबे में बोले तो तलाक हो जाती है, 3 बार बोले तो तलाक हो जाती है, वो जो कुछ भी मसला है वो हमारा अपना दाखिली मामला है, हमारा अपना दाखिली मामला है। हमारे उलमा को हमारे मशायखीन को अल्लाह हमारे मुफ्तियाने इकराम को सलामत रखे वो फैसला करने वाले हैं कि क्या मामला दुरुस्त है, कब तलाक होती है कि कब तलाक नहीं होती है। इस मामले में कोई हुकूमत या कोई कोर्ट भी मुदाखलत की कोशिश ना करे। ये जो आज के एहतजाजी जलसे का जो नज्म रखा गया है यही बताना हमारा मकसद है कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में